सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बीस्ट मंत्रा व्लॉग्स। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्म रेसलिंग रिलेटेड सप्लीमेंट्स को लेके। सो आर्म रेसलिंग रिलेटेड सप्लीमेंट्स क्यों? क्योंकि जो आप लोग आर्म रेसलर हो, वो लोग DM किए जा रहे थे कि भैया एक आर्म रेसलिंग के ऊपर सही सा सप्लीमेंट बता दो, कि कौन सा सप्लीमेंट आर्म रेसलिंग के लिए एकदम सही है। जब कंपटीशन का टाइम सामने आ जाएगा तो कौन सा सप्लीमेंट लेना ज़्यादा अच्छा है, या तो हम लोग सारा साल कौन सा सप्लीमेंट चला सकते हैं अगर हम लोग प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग करते हैं तो। या बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि क्या आर्म रेसलिंग करते वक्त कोई सप्लीमेंट का ज़रूरत पड़ता है या नहीं। तो आज ये सारे सवालों का जवाब मैं आप लोगों का दूंगा। उसके पहले, जो बीस्ट मंत्रा व्लॉग्स में नए हो और जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट यहाँ पे दिखता रहता है। एंड उसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो एंड में एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, असल में अगर आप लोग एक आर्म रेसलर हो तो सबसे पहले आप लोगों को जो करना है वो है प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस, एंड उसके साथ साथ प्रॉपर तरीके से डाइट फॉलो। एंड जब हम लोगों का बात डाइट के तरफ आता है या जब हम लोग डाइट को लेके बात करते हैं, तो हम लोगों के दिमाग में सबसे पहला चीज़ जो हिट करता है वो है कि कौन सा सप्लीमेंट ले ताकि डाइट अच्छा हो, एंड अच्छे सप्लीमेंट के साथ अच्छा एक बहुत ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन अच्छा प्रैक्टिस हो, या हम लोगों को प्रॉपर सब कुछ मिले ताकि हम लोगों का परफॉर्मेंस और ज़्यादा एनहेंस हो। तो कौन सा वो सप्लीमेंट है? तो एक नंबर एंड दो नंबर, दो बेसिक सप्लीमेंट आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड वीडियो के अंत में आप लोगों को ये भी मैं बताऊंगा कि मैं पर्सनली कौन सा सप्लीमेंट प्रेफर करता हूँ, एंड मैं यूज़ भी कर रहा हूँ अभी। एंड 2023 जून में, अभी जून में मतलब कुछ दिन बाकी रह गए, अभी और हफ्ता भर बाकी है, तो जून में मथुरा में आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप हो रहा है, 2023 आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप नेशनल लेवल में, जो कि करवा रहा है पाफी, मतलब पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो लास्ट 6 से 7 महीना होने वाला है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आर्म रेसलिंग का प्रोफेशनल तरीके से। मैं कौन सा सप्लीमेंट यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, हर कोई स्पोर्ट्स में लगता है, आप लोगों को भी शायद पता है, नहीं पता है तो सुन लो, वो है वे प्रोटीन। अभी वे प्रोटीन का बात जब मैं बोल ही रहा हूँ तो आप लोगों को बता दूँ, वे प्रोटीन आप लोग कुछ भी ले सकते हो। बहुत लोगों के मन में एक सवाल आता है कि भैया कौन सा प्रोटीन ले, तो अगर प्रोटीन लेना ही है तो आप लोग ब्लेंड प्रोटीन लो, अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप लोग आइसोलेट प्रोटीन लो, अगर आपका बजट और ज़्यादा है तो आप लोग हाइड्रोलाइज प्रोटीन लो। लेकिन जो भी प्रोटीन आप लोगों को लेना है, उसके साथ साथ आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ भी रखना है कि प्रोटीन आप लोगों को कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं है 1 महीना 2 महीना लेने के बाद बंद कर दिए। तो ऐसा प्रोटीन लो जो कि आप लोग कंटिन्यू कर पाओ, चाहे वो अलग अलग कंपनी का क्यों ना हो, उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसको कंटिन्यू करो, बस ये मेन चीज़ है। तो अब बात आ जाती है प्रोटीन की, काम की। तो प्रोटीन को लेके मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप लोगों को अगर डिटेल वीडियो देखना है तो मैं आई बटन में दे दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्रोटीन के बारे में डिटेलिंग। फिलहाल तो अभी इतना आप लोगों को बता देता हूँ, जो अब हम लोग आर्म रेसलिंग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम लोगों का आर्म्स जब फैटिक होता है तो उसके बाद उसको रिकवर करने का जो मेन रोल प्ले करता है वो है प्रोटीन, चाहे वो कोई भी तरह या किसी भी तरह का प्रोटीन हो। एंड उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है प्रोटीन, वो है हम लोगों के बॉडी वेट के हिसाब से एक सफिशियंट प्रोटीन रिक्वायरमेंट हम लोगों के बॉडी को हर रोज़ चाहिए। वो सफिशियंट प्रोटीन जब हम लोगों को खाने से नहीं मिलता है तो वही प्रोटीन हम लोगों को अलग से प्रोटीन सप्लीमेंट से लेना पड़ता है। सिंपल दोस्तों, चलो ये तो हो गया प्रोटीन। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा सप्लीमेंट जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत 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 ज़्यादा, एंड इसको पूरे वर्ल्ड में एक नंबर दर्जे में रखा हुआ है सप्लीमेंट के दुनिया में, एंड इसका प्राइस भी बहुत 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 ज़्यादा चीप है। एंड अभी मेरे पास भी वो सप्लीमेंट रखा हुआ है, मतलब प्रोटीन तो अभी इस घर पे है नहीं, लेकिन क्रिएटिन जो है, मतलब दूसरा सप्लीमेंट क्रिएटिन ही है, ऑब्वियसली आप लोगों भी समझ गए होंगे। तो क्रिएटिन जो है, मैं अभी जो क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे सामने ही रखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ मैं कौन सा क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ। एंड क्रिएटिन जो है ना दोस्तों, ये भी बहुत तगड़ा एक सप्लीमेंट है, एंड आप लोग अगर कम अमाउंट में इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग 3 ग्राम से लेकर 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम तक आप लोग इसको कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एंड इसका रिजल्ट तो मैं अलग से क्या ही बोलूँ, आप लोगों को पता ही है कि क्रिएटिन का कितना बेस्ट रिजल्ट है। हाँ, अगर आप लोग चाहो सारा साल इसको यूज़ करने के लिए, तो आप लोग 3 ग्राम से लेकर 4 ग्राम, 5 ग्राम तक इसको यूज़ कर सकते हो सारा साल, या
आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि 3 ग्राम करके यूज़ कर रहे हो एंड ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, जैसे कॉम्पिटिशन नज़दीक आ जाता है तो 1 महीना आप इसको 6 ग्राम से 9 ग्राम तक ले सकते हो 1 महीने के लिए, उसके बाद फिर ड्रॉप करके 3 ग्राम से 4 ग्राम या 5 ग्राम तक आप लोग जा सकते हो। तो ये था दोस्तों क्रिएटिन। तो चलो जब इतना कुछ बता ही दिया तो मैं अपना क्रिएटिन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, लेकिन उसके पहले जैसे मैंने वादा किया था कि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं खुद कौन सा सप्लीमेंट प्रेफर करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट जो मैं प्रेफर करता हूँ, वो कुछ हो या ना हो प्रोटीन एंड क्रिएटिन को छोड़ के, वो है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। क्योंकि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आप लोगों के प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस को एनहेंस करता है, प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक एनर्जी बूस्ट करता है। जब आप लोग ज़्यादा लोडेड प्रैक्टिस करते हो तो प्री वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो फिलहाल तो मैं अभी प्री वर्कआउट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंपटीशन के पहले पहले कभी कभी मैं करता हूँ। इसके बाद वाला कंपटीशन में हो जाएगा तो अभी थोड़ा पैसे का दिक्कत है, समझ रहे हो ना दोस्तों, तो इसलिए प्री वर्कआउट उतना अच्छा यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे मैं प्री वर्कआउट भी जो यूज़ करता हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जनरली मैं प्री वर्कआउट यूज़ करता हूँ इंटेंस, सॉरी इसका अपना अभी तो इंसेन लैब्स का साइकोटिक मैं अभी फिलहाल यूज़ करता था, तो उसका करीब करीब 2000 के करीब उसका प्राइस आ जाता है, तो अभी थोड़ा टाइट है तो इसलिए ले नहीं पा रहा हूँ, बाद में लूँगा, देखा जाएगा, वो अलग बात है। तो फिलहाल क्रिएटिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप लोगों को एक सेकेंड दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं आ गया वापस एंड क्रिएटिन का डब्बा मेरे हाथ पे है, तो दिखा देता हूँ जो क्रिएटिन मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। सिर्फ अभी नहीं, लगभग 6 महीने से यही क्रिएटिन मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड इसका रिजल्ट बेस्ट है। ये कोई पेड प्रमोशनशिप नहीं है, ना तो इस कंपनी से मेरे को एक भी पैसा आ रहा है। ये बोलने के पीछे एक ही रीज़न है, जो लोग आप मेरे वीडियो देख रहे हो, जो लोग आप लोग आर्म रेसलर या चाहे भी कोई भी पावर गेम के साथ आप लोग जुड़े हुए हो, मेरे कहने पे आप एक बार ये वाला क्रिएटिन ट्राई करके देखो, उसके बाद आप बताना कि ये क्रिएटिन कितना तगड़ा है। तो मैं जब तक खुद नहीं यूज़ करता मैं उसका एश्योरिटी देता भी नहीं हूँ। तो मैं आप लोगों को अभी क्रिएटिन दिखा देता हूँ। ये है वो क्रिएटिन, मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन बुल फार्मा का, ठीक है, बुल फार्मा का मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन, देख लो दोस्तों। ये क्रिएटिन आप लोग एक बार यूज़ करके ज़रूर बताओ कि कैसा है। तो गाइज ये वीडियो आज का इतना ही है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना है और वीडियो को लाइक करना है अगर वीडियो अच्छा लगा। तो बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ 20 मंत्रा व्लॉग्स में।